हेलो एवरीवन, आज की अपडेट की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी को देखे हैं, एंड इस वीडियो में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आई हुई है। यहाँ पर नेट, जेआरएफ, ओनली पीजी सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे, एंड रेस्ट कैंडिडेट पहले एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, देन इंटरव्यू के बाद वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे। यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी फैकल्टी में सीट अवेलेबल है। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यहाँ अप्लाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, अप्लाई करने के प्रोसेस क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस YouTube चैनल कविता हर्रू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से आई है, जो कि झारखंड की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड ये इसकी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इस लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे एंड ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ कैंडिडेट 17 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 के बिटवीन में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड 750 रुपीज है फॉर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, एंड पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन मोड में पेड की जाएगी। यहाँ टोटल 20 डिपार्टमेंट है अप्लाई करने के लिए, एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सीट दी हुई है। एंथ्रोपोलॉजी में 12 सीट है, बंगला में 10 सीट है, बॉटनी में 8 है, कॉमर्स में 39 सीट है, केमिस्ट्री में 6 है, इंग्लिश 37 सीट है, इकोनॉमिक्स में 12 सीट है, ज्योग्राफी में 17 सीट है, हिस्ट्री में 20 सीट है, हिंदी में 18, होम साइंस में 8, मैथमेटिक्स में 12 सीट, उड़िया में 4 सीट है, फिलोसफी में 10 सीट है, फिजिक्स में 46 सीट है, संस्कृत में 12 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 46 सीट है, साइकोलॉजी में 18 सीट है, उर्दू में 2, जुलोजी में 25 सीट है। इस तरह से टोटल 20 डिपार्टमेंट है जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 400 सीट अवेलेबल है। तो यहाँ पर सफिशियंट डिपार्टमेंट है एंड सफिशियंट सीट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री की है, 55% मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड 5% की रिलैक्सेशन है एस सी एस टी ओ बी सी नॉन क्रीमी लेवल एंड डिफरेंट लेवल कैंडिडेट को। रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग रहेगी। लास्ट अप्लाइंग डेट 3 नवंबर है एंड एंट्रेंस एग्जाम 3 दिसंबर को होंगे। एग्जामिनेशन का सेंटर चाईबासा एंड जमशेदपुर रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन इसके नोटिस से थी, अब इसके इन्फॉर्मेशन सीट को देखते हैं। गाइज, ये इन्फॉर्मेशन सीट है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की। एप्लीकेशन टू पीएचडी कोर्स इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स फॉर द ईयर 2022, जनरल इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट। ये अप्लाई करने के लिए कंडीशन है, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन वन ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन बिलो एटलीस्ट 55% एंड 50% फॉर एस सी एस टी ओ बी सी। यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन के यू पी ई टे दैट मीन्स कोहान यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या डायरेक्ट बेसिस पर होगी। तो जो एंट्रेंस टेस्ट देंगे वो मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट होंगे एंड जो डायरेक्ट बेसिस पर होंगे वो एग्जम्पशन फ्रॉम के यू पी ई टेट होंगे। वे कैंडिडेट जो एम फिल कम्प्लीटेड हैं वो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे। क्वालिफाई इन गेट, सेट, नेट या जेआरएफ एग्जामिनेशन, रेगुलर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड रहेंगे एंड जो ओनली पीजी कैंडिडेट हैं वो पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, देन वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी हुई है, मोड ऑफ सिलेक्शन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म
ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में 2 पेपर्स का एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर कंपलसरी एंड पेपर 2 एज पर द कोर पेपर ऑफ CSIR UGC सिलेबस। टोटल 300 के एग्जाम होंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड सारे क्वेश्चन आपके MCQ होंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड नो निगेटिव मार्किंग। ये एग्जाम 3 आवर्स का होगा, 11 AM to 2 PM। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 AM दिया हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम 3 दिसंबर को होगा। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट एग्जाम के 1 वीक के बाद इस वेबसाइट पर शो हो जाएगा। लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वेबसाइट पर जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अप्लाई करने से पहले फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।